यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और ध्यान सरकार भी दे और ये जरा बताए कि अगर रेलवे ने हमारे बुजुर्गों को दी जाने वाली छूट को बंद कर दिया है तो भारत सरकार उसी रेलवे में माननीय सांसदों और पूर्व सांसदों को हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से ये छूट क्यों दे रही है? घाटा है तो दोनों जगह बंद कीजिए, हमारे बुजुर्गों पर ही क्यों? जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि मार्च 2020 यानी कोरोना काल के पहले हमारे बुजुर्गों में जो 58 साल की ऊपर महिलाएं थी उन्हें 50% छूट मिलती थी, 60 साल के ऊपर पुरुष बुजुर्गों को 40% छूट, पहले कोरोना में होल्ड पर डाला और अब बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया। जबकि कोरोना काल में माननीय सांसदों को मिली छूट जारी रही और ऐसा लग रहा है कि अनंत काल तक ये जारी रहेगी क्योंकि आपस में समझौता नहीं करते। तकरीबन 5.5-6 करोड़ बुजुर्ग हर साल इसका लाभ उठाते थे, अब ये बंद कर दी गई है। वहीं आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 5 सालों में तकरीबन 60-65 करोड़ रुपए पूर्व सांसदों को ट्रेन में रियायत पर खर्च हुए हैं, जिसमें पूर्व सांसदों पर ही 26-27 करोड़ है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि जो सांसद महोदय हैं वो अपने पति या पत्नी या किसी एक व्यक्ति के साथ यानी 2 लोग कुल मिलाकर फर्स्ट एसी तक फ्री में सफर कर सकते हैं, पूर्व सांसद भी सेकेंड एसी तक फ्री में सफर कर सकते हैं फर्स्ट एसी में अकेले, और हमारे बुजुर्गों की सब्सिडी बंद कर दी गई है। सवाल ये कि दोहरा चरित्र क्यों? अगर घाटा रेलवे को हुआ है हम मान रहे हैं, आप बंद कर दीजिए, लेकिन सिर्फ बुजुर्गों पर क्यों? सारी चोट आम आदमी पर क्यों? क्यों आप अपने पर समझौता नहीं करते? ये सवाल का जवाब दीजिए और जनता को भी ये पूछना चाहिए।